जिंदगी में कभी कभी इतना कुछ मिलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे इस वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। जी हाँ, आज से 1 साल पहले मैंने जो उदित नारायण के घर वाला वीडियो डाला था उस पे आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला, वो वीडियो इस वक्त 5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी है। उस वीडियो को अभी तक 50 लाख लोगों ने देखा और काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी कमेंट किए, कई सारे सवाल पूछे। इस सारे लोगों ने यह सवाल पूछा कि उदित नारायण जी इतने प्रसिद्ध गायक है, इतने अमीर है, तो उन्होंने अपने जन्मभूमि पर एक अच्छा सा घर भी क्यों नहीं बनाया। तो किसी ने पूछा कि उदित जी की पहली पत्नी का क्या हुआ। तो आपके इन सभी सवालों को लेके एक बार फिर से हम आ चुके हैं उस जगह जहाँ उदित जी का जन्म हुआ था और यहाँ पर उनके परिवार के लोग आज किस हाल में हैं, कैसे रहते हैं। इन सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे और आपके सारे सवालों के जवाब को जानने की भी कोशिश करेंगे। तो गाइज, 1 सालों के बाद हम लोग फिर से आज आए हैं बाईसी, उस जगह जहाँ पे उदित जी का जन्म हुआ था। पिछले साल हमने आपको दिखाया था यह घर जिसके ऊपर झोपड़ी था, लेकिन अब ये झोपड़ी भी टूट चुका है। यह घर अब शायद अंतिम स्टेज में है, जिसके अंदर उदित जी जाकर यह बोले थे कि यही वो मिट्टी है जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरा बचपन बीता। लेकिन इस घर की स्थिति पिछले साल से और भी ख़राब हो चुकी है। पिछले बार जब हम लोग आए थे तो इसी घर पे हमें वो दादी मिली थी जो अब वो सामने वाले घर में रहती है, और ये वाला जो घर है ये भी उनके परिवार के किसी सदस्य का घर है। और अभी हम लोग जा रहे हैं दादी से मिलते हैं एक बार फिर से। हाँ, बड़ सुंदर, बड़ बढ़िया। 1 साल पहले अहाँ से मिल लिए रहा, अहाँ आशीर्वादो दिलिए रहे कि हाँ जाइयो उदित नारायण का हमार फोटो देवे, चिन लिए उदित नारायण पठेलो? नहीं, उदित नारायण ने, अबरी तो अपने मन से एलिए अहाँ से मिले खातिर एलि। अच्छा, आ उधर में ना रह रही है पहले? हाँ, तो वही घर में छे है कि टीवी देख ले लिए। ये अपने घर में। अच्छा दादी, उदित नारायण जी का घर कौन है? उदित नारायण का घर कौन चाहिए? उदित नारायण का घर कहाँ रहता है? मामा गांव में। तो उदित नारायण जी का जैसे पढ़ाई लिखाई तो ऐसे ना भेल रहा है? मम्मी और चल कर भागिन रहते नहीं करते, ठगन मिसर का भागिन। क्या कि ऐसे पहले जो उदित नारायण जी एल रहे तो उदित नारायण जी कहल के जो हमर पढ़ाई लिखाई सब कुछ एत से पहले मम्मी और चल के पढ़ाई लिखाई की बात बरस बुझल वो छलखिन ठकन मिसर के बही कोसकी अल हमार ससुर रहती मुखिया तो कोसकी अल तो ममा मातरी का पैतरी दुए जगह तो छह सबके कतो कतो जब ई तो पूछ मातरी कता है अहाँ नाना के ना की। सही बात छे, सही बात छे। वो तो क्यों ना चढ़े तो हुनका सबके कोसकी अलन तैठाम ले आनल लखिन तो कहलखिन जे अहाँ का जहिया उपाय हैत हमर ससुर लिखलखिन नहीं दी अहाँ का जहिया उपाय हेतु अपना जगह पर चलि जाय तैठाम पढ़ेलकनि लिखेलकनि मम्मी उठा हमरो सबके बहुत दुख अछि कहियो न कहलखिन मातृक से हम बनलहुँ। उदित नारायण जी कभियो नहीं कहलकै कि हमें मातृक से बनलो, हुनकर बफर भार द भार द। लेकिन ओकर तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ एते से भेल। मम्मी का हम तो 9 टा भागिन के पढ़ि लियो मैट्रिक क्या क्या सबटा भागिन के मर के बैठ बुझल मामा गाम में पढ़ले। अच्छा, आइ तो उपना में शादी जो केल गन से शादी हमर कंपनी नहीं हुआ दल के ठम से नहीं हुआ दल के ओता से भार दो से हुआ। अच्छा, ते निरु ई शादी जे केल को दिन नारायण ओ सब एलखिन तम हल्ला करैले हल्ला करलखिन कहलखिन हमरा बरियाती में देख लियो जो बरियाती में छी तो हमरा जेल दियो बरियाती मोह नहीं। अच्छा अच्छा, उदित नारायण जी के 2 गो पत्नी छे तो उनका पहला पत्नी एगो तो मुंबई में रहे छे एगो निर्मली गेले बॉम्बे हो कला पर मसाला कुटेले। अच्छा, एगो पत्नी 2 गो पत्नी छे ओकरा एगो मुंबई में और एक दोनों बॉम्बे में छे। अच्छा अच्छा, ई सब तू सब धियापुता सब चीज नहीं बचपन से एते उदित नारायण जी पढ़लक लिखलक अहाँ सबके तो पूरा याद हेतु बचपन में केहन रहे? 12 दिन का रहिन तो हमर ड्रामन भेल। अच्छा, उदित नारायण जी के स्वभाव केहन रहे बचपन से? गावैत सब रहे अगर गाना वाना? हाँ, दिया कीर्तन भेल भजन भेल तो ठाम गाथे। अच्छा, अभी जे उदित नारायण जी मुंबई में रहे छे ओत से अहाँ सबके कोनो ओकरा से बातचीत होय छे कि नहीं होय छे? पोती के शादी के लिए तो नोटा कर दिए। अच्छा, तो एलखिन नहीं? नहीं, कल की हम दे
आयब लेकिन अलै नहि। कहलियनि हम पति के शादी केलहुँ आ हमरा उठाही माटी दै छी से बड़ी जोर ठाता। अच्छा दोस्तों, पिछले बार भी हम लोगों ने आपको यह मंदिर दिखलाया था और आप लोगों को यह बताया था कि यह जो मंदिर है, इस मंदिर में जो मूर्ति है उसकी स्थापना उदित नारायण जी के द्वारा किया गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, मूर्ति दादा श्री भुवनेश्वरी देवी द्वारा गायक उदित नारायण झा।